हे डियर गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू शाइन स्टार। तो गाइस, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ अरबी आई लुक। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर ज़रूर करें गर्ल्स, ताकि मुझे भी सपोर्ट मिले और मैं और भी ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बना सकूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैं लाइट ब्राउन सा शेड लूँगी ग्लैमर फेस पैलेट में से। इस ब्रश की हेल्प से मैं इसको अप्लाई करूँगी इस तरह। क्रीज पर अप्लाई करना है और आउटर कॉर्नर पर। तो अच्छे से मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ क्रीज पर, लाइट ब्राउन शेड है, और उसको आउटर कॉर्नर की तरफ भी लेकर जा रही हूँ। देन इसके बाद डार्क ब्राउन शेड लेकर उसको भी मैं अपने क्रीज और आउटर कॉर्नर पर अप्लाई करूंगी इसी ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से। अच्छे से इसको ब्लेंड करना है कि कोई भी हार्श लाइन ना रहे और शेड जो है वो ब्लेंड हो जाए पूरे क्रीज पर। इसको मैं आउटर कॉर्नर की तरफ भी लेकर जा रही हूँ इस तरह बाहर की तरफ। देन इसी पैलेट में से मैं ब्लैक शेड ले रही हूँ, उसको भी आउटर कॉर्नर पर अप्लाई कर रही हूँ टैप टैप करके। सिर्फ आउटर कॉर्नर तक ही इसको अप्लाई करना है और उसको हल्का सा बाहर की तरफ लेकर जाना है। पूरी आईज पर नहीं अप्लाई करना और ना ही पूरे क्रीज पर, सिर्फ इसको आउटर कॉर्नर पर ही मैं अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ इसी ब्लेंडिंग ब्रश से। आप भी इसी तरह अप्लाई कीजिएगा ताकि जो ये शेड है आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए और हमारी आईज जो एक अरबी और स्मोकी सा लुक दे। देन मैं थोड़ा सा और डार्क शेड लेकर जस्ट यहाँ पर डैप करूँगी आउटर कॉर्नर पर। बिल्कुल लाइट से हैंड से इसको मैं ब्लेंड करूँगी ताकि शेड जो है वो सिर्फ आउटर कॉर्नर तक ही रहे, बाहर या ऊपर की तरफ ना फैले। तो इसी तरह आपको भी करना है। देन इसी पैलेट में से मैं डार्क गोल्डन टाइप एक कॉपर टाइप शेड है मेटालिक, उसको मैं अपनी फिंगर की हेल्प से अप्लाई करूँगी अपने आईबॉल पर इनर कॉर्नर की तरफ। अच्छे से इसको ब्लेंड कीजिएगा। शिमरी शेड जो है गर्ल्स फिंगर से बहुत अच्छे से अप्लाई होते हैं, ब्रश से ज़्यादा अच्छे से अप्लाई नहीं होते, तो आप भी फिंगर से ही अप्लाई कीजिएगा। और अगर आपको ब्रश से ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है तो आप उसी से, क्योंकि मेकअप में कोई रूल्स नहीं होते, आप जिस तरह चाहें जैसे चाहें मेकअप अप्लाई कर सकती हैं। इट्स टोटली अप टू यू, जिसमें आप ज़्यादा ईजी और कंफर्टेबल हैं। तो मैं अपनी फिंगर से इसे अप्लाई कर रही हूँ और अच्छे से इसको ब्लेंड कर रही हूँ। आईबॉल पर मैंने अच्छे से इसको अप्लाई कर लिया है और थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ भी मैं लेकर जाऊंगी शेड को। देन इसके बाद जहाँ जहाँ ये शेड ना लगा हो ब्रश की हेल्प से, आप फ्लैट ब्रश की हेल्प से वहाँ वहाँ अप्लाई कर लें ब्रश की हेल्प से, नीट सा लुक आ जाएगा इससे। अच्छे से इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ जहाँ जहाँ ये शेड नहीं लगा, पूरे क्रीज पर, आईबॉल पर बहुत अच्छे से इसको अप्लाई करना है लाइक दिस। तो ये गोल्डन शेड अप्लाई हो चुका है। देन इसके बाद मैं लाइट सा ब्राउन शेड लेकर दोनों शेड को अच्छे से आपस में मिक्स करूँगी, मेक श्योर कोई हार्श लाइन ना हो। देन इसके बाद मैं छोटू से ब्रश की हेल्प से मैं अपने ब्राउ बोन को हाईलाइट करूँगी और इनर कॉर्नर को भी हाईलाइट करूँगी इस तरह से।
तो गलत ये हाईलाइट हो चुका है। अब इसके बाद मैं इस टेप को रिमूव करूँगी और इसके बाद मैं अप्लाई करूँगी लाइनर। आप देख सकती हैं इसका लुक कितना ज़बरदस्त लग रहा है। तो मैं कैरलॉन का लाइनर अप्लाई कर रही हूँ इस छोटू से ब्रश की हेल्प से, इस तरह से बिल्कुल यहाँ से पतला लगाऊंगी, थोड़ा सा इसको मोटा करके। स्टार्ट में बिल्कुल पतला लगाना है, देन इसको आराम आराम से हम मोटा करेंगे, क्योंकि अगर एकदम से मोटा हमने लगा दिया तो फिर उसको पतला करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि लाइनर पहले पतला अप्लाई करें, इसके बाद जितना मोटा आपको चाहिए आप उसको अप्लाई करती रहें। देन इसके बाद ये जो हमें लाइन मिली है इसी लाइन को फॉलो करते हुए हम ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे लाइनर को, और उसी से ये हम यू नीचे की तरफ लेकर आएंगे, एक विंग लाइनर लगाएंगे। तो गर्ल्स ये लाइनर लग चुका है। देन इसके बाद हम यहाँ कॉर्नर से एक पतली सी लाइन ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल छोटी सी इनर कॉर्नर की तरफ, और यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ करके बिल्कुल पतली पतली लाइन वाटर लाइन के नीचे हम अप्लाई करेंगे इसी लाइनर की हेल्प से, इस तरह बिल्कुल पतली सी लाइनर ड्रॉ कर ली है। देन कॉर्नर की तरफ से हम यूं बाहर की तरफ निकालेंगे इस लाइनर को। इस तरह से देन इसके बाद ब्लैक एंड ब्राउन शेड से मैं इस शार्प लाइन को थोड़ा सा स्मूथ करूंगी। इस तरह से अच्छे से इसको ब्लेंड करना है, इससे आईज का लुक बहुत ही स्मूथ आता है। आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त लग रहा है ये। देन इसके बाद मैं हैंग फैंग का सिल्वर ग्लिटर लाइनर जो है वो इस कॉर्नर पर मैं लगाऊंगी, बिल्कुल पतली सी लाइन ड्रॉ करूंगी, आईज को थोड़ा सा लुक देने के लिए, इस तरह से। देन इसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ एपीके का काजल अपनी वाटर लाइन पर, बहुत जबरदस्त काजल है गर्ल्स, ये बजट फ्रेंडली है, बिल्कुल जेट ब्लैक है और आंखों से जल्दी निकलता भी नहीं है, बहुत ज़बरदस्त है। आप देख सकती हैं काजल अप्लाई हो चुका है। इसके बाद मैं मस्कारा यूज़ करूँगी एसेंस के। तो मस्कारा अप्लाई हो चुके हैं। देन इसके बाद मैं लैशेस यूज़ करूँगी। तो गर्ल्स मैंने लैशेस लगा लिए हैं, आप देख सकती हैं मेरा फाइनल लुक। आई होप मेरी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। गर्ल्स अगर आपके लिए ये हेल्पफुल हो तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी ये वीडियो आपको। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़ गर्ल्स।